प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिल रहा है। मिशन 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ब्रांड मोदी टॉप गियर लगा चुके हैं। 2019 से भी प्रचंड जीत के लिए टॉप टू बॉटम एक फ्रंट को साथ चुके हैं और बीजेपी में मोदी मंत्र का पहला असर दिखा। राजधानी दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर भोपाल में, जहां सरप्राइजिंग सीएम फेस यानी मोहन यादव की सरकार में नए चेहरों और अनुभवी चेहरों की एक साथ एंट्री कराई गई। कोई 12 साल कैबिनेट मंत्री रहने का तजुर्बा रखता है, किसी के पास पीएम मोदी के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। कोई पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आया, सबको बीजेपी के अभेद्य किले मध्य प्रदेश में एक साथ टीम मोहन का हिस्सा बनाया गया। यानी मोहन मंत्रिमंडल की ताजपोशी में सिर्फ एक क्राइटेरिया काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर कुल 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। विधानसभा चुनाव जीतने पर सांसदी छोड़ने वाले 3 कद्दावर नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। टीम मोहन में सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर है कद्दावर चेहरों का सरकार में शामिल होना। कैलाश विजयवर्गीय, प्रद्युम्न सिंह तोमर, उदय प्रताप सिंह जैसे दिग्गज जिनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो टीम मोहन में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव नई टीम पर फुल ऑन कॉन्फिडेंट है और दम भरते हैं कि हम लोग टीम स्प्रिट के साथ मोदी विजन को आगे बढ़ाएंगे। समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी स्वीकृति से मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। खास बात यह है कि भोपाल टू दिल्ली 12 दिनों से जारी महामंथन में बीजेपी लीडरशिप ने समाज के सभी वर्गों को साथ लिया। सभी वर्गों में 49% ओबीसी हैं। सीएम मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। 11 मंत्री भी ओबीसी समाज से बनाए गए। मोहन मंत्रिमंडल में 6 मंत्री एससी वर्ग के हैं, 4 मंत्री आदिवासी समाज के हैं। कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और मोदी जी जिस प्रकार हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक बहुत तेज गति से विकास करेगा, ये हमें विश्वास है। यूं तो 163 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और इसी स्ट्राइक रेट को लोकसभा तक बढ़ाने या यूं कहें राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने होमवर्क फाइनल करना शुरू कर दिया। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। गुड गवर्नेंस डे पर जो सरकार आज पूर्णता के साथ आकार ले रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ मध्य प्रदेश को सुशासन देगी। सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण और नए अनुभवी चेहरों का संगम यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने हर फॉर्मूले को 24 की कसौटी पर कस दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ही बीजेपी के लिए वो अभेद्य किला है जिसने बीजेपी के स्ट्राइक रेट को बम्पर उछाल दी। मोदी युग में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट छोड़कर सभी सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में इस बार मिशन क्लीन स्वीप प्लान पर आगे बढ़े बीजेपी के लिए मोहन और उनके मंत्रिमंडल को खरा उतरना होगा।